মালদা সফরে আসছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আর কিছুক্ষণের মধ্যে গাজল কলেজ ময়দানে এক নির্বাচনী জনসভায় অংশ নেবেন তিনি। তার পূর্বে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল করে আসতে শুরু করেছেন বিজেপি কর্মীরা। जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग पहले गुंडागर्दी करते थे, आज वे लोग अपने गलियों में अपने गले में पट्टी बांध करके चलते हैं कि रहम कर दो। और मैं कह सकता हूं, मैं देख रहा था एक तस्वीर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बुजुर्ग माता को टीएमसी के गुंडा ने इस बेरहमी के साथ पीटा और उनके मुंह पर जो सूजन था उसको देखते हुए आंखों में आंसू आ रहे थे कि कितने बेरहम और बर्बर हैं ये लोग। एक महिला को भी नहीं छोड़ते और अपराधी अगर अपराध करता है तो पुलिस का काम है अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, प्रशासन का काम है, शासन का काम है उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना। लेकिन अगर शासन और प्रशासन अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय वक्तव्य दें कि सूजन तो घर के विवाद का है, ये पीटने से नहीं सूजन आया है, ये सूजन तो दिखाई दे रहा है, चोट के निशान है, जिस प्रकार की वक्तव्य दे जा रहे हैं ये बंगाल का अपमान है, बंगाल के नागरिकों के साथ धोखा है। आप देख रहे हैं गंगा मैया को उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार और झारखंड होते हुए पश्चिमी बंगाल होते हुए गंगा सागर तक जाती है। ये गंगा मैया तो भारत की एकात्मता की एक बहुत पवित्र धारा का एहसास हम सबको कराती है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ हम सब को जोड़ती है। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो बंगाल के अंदर रह करके भारत की एकात्मता को चुनौती देने के मुद्रा में लगातार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए तुष्टीकरण की भेंट बंगाल को चढ़ा देना चाहते हैं। हमें बंगाल को तुष्टीकरण की भेंट नहीं चढ़ने देनी है। गंगा की अविरलता और निर्मलता को तो बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कार्य किया जा रहा है और साथ साथ गौ हत्या को रोकने के लिए भी बड़ा कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गौ हत्या नहीं कर सकता और 2017 में आते ही उत्तर प्रदेश के अंदर गौ तस्करी और इलीगल स्लॉटर हाउसेज एक झटके में बंद हो गए, 24 घंटे के अंदर बंद हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के तो आइए, 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे और 24 घंटे के अंदर ये तस्करी भी बंद हो जाएगी। गौ तस्करों को पता लग जाएगा कि गौ तस्करी, इलीगल स्लॉटरिंग और किसी भी प्रकार की अराजकता और अव्यवस्था का क्या दुष्परिणाम होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्षों में कोई दंगा नहीं हुआ, किसी पर्व और त्योहार को कोई मनाने से रोक नहीं सकता, कोई भी यात्रा वहां पर आज प्रतिबंधित नहीं है। बंगाल में तो न्यायपालिका को यहां की सरकार से कहना पड़ता है कि अगर उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा का आयोजन हो सकता तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है। आपको याद होगा जब दुर्गा पूजा का समय और ईद का समय एक से एक ही साथ पड़ा था या मुहर्रम का समय एक साथ पड़ा था तो यहां की सरकार ने मुहर्रम के जुलूस को तो अनुमति दी लेकिन दुर्गा पूजा के पंडालों में प्रतिबंध लगा दिया था। उत्तर प्रदेश में जब बात आई, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कहा कि नहीं,
समय होगा उस समय पूजा ही होगी और उस समय पूजा में कोई व्यवधान हम नहीं पढ़ने देंगे। और एक भी जगह पूजा के पंडाल नहीं रोके गए थे, लेकिन बंगाल के अंदर बैन किए जाते हैं, पूजा को प्रतिबंधित किया जाता है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, गो तस्करों को प्रश्रय दिया जाता है, उनके समर्थन में सत्ता के यहां पर वक्तव्य आते हैं। ये मुझे आश्चर्य होता है इन सब बातों को लेकर के, ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ है और भारत अपनी आस्था के साथ कभी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और बंगाल की धरती भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती के रूप में अपनी पहचान बनाई है और बंगाल की धरती का यह संदेश एक बार फिर से पूरे देश के अंदर गूंजना चाहिए कि जो कार्य कवि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उन्होंने दुनिया के यानी वैश्विक मंच पर जाकर के बंगाल की धरती का एक युवा सन्यासी बंगाल की धरती से यह आह्वान करता था और उनका जो आह्वान था वह भारत को जागृत करने का आह्वान था। उन्होंने इस समय कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कि स्वामी विवेकानंद का एक शब्द कोई सांप्रदायिकता का प्रतीक तो नहीं था, स्वामी विवेकानंद का यह वक्तव्य तो भारत को जोड़ने वाला वक्तव्य था, भारत की सनातन संस्कृति को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का, वैदिक परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का एक मंत्र था। मालदा के सुमित घोषेर रिपोर्ट, एएनएम न्यूज। समस्त खबरें तत्क्षणात अपडेट पेते सब्सक्राइब बटन टी क्लिक करे बेल बटन टी क्लिक करुन। आरो खबरें अपडेट पेते सब्सक्राइब करुन आमादेर यूट्यूब चैनल टी और बेल आइकने क्लिक करुन नोटिफिकेशन्स पेते।